हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलिवर गोल्ड स्मिथ की बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स को। ये हमारे 18th सेंचुरी के काफी फेमस प्ले राइट पोएट थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ओलिवर गोल्ड स्मिथ एक आयरिश राइटर थे। ही वॉज एन एंग्लो आयरिश नोवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। ये तीनों जेनर में लिखा करते थे। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 10th नवंबर 1728 इन आयरलैंड एंड ही डाइड ऑन 4th अप्रैल 1774 इन लंडन। अल्मा मीटर की बात करें तो ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन फॉर हिज नोवेल द विकर ऑफ वेकफील्ड। एंड जो इनका एक वर्क है सी स्टूप्स टू कंकर, इन वर्क से ये फेमस हुए थे। एंड इन 1756 ही मूव टू लंडन। 1756 में ओलिवर गोल्ड स्मिथ लंडन चले गए थे। इससे हो सकता है कि इनके जो ये लाइफ स्पेन है उससे क्वेश्चन आ सकता है, या आल्मामीटर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसमें अधिकतर ऑप्ट वन आउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ये किसका वर्क है, वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनके वर्क्स की बात करें तो फेमस वर्क्स जो हैं इनके वो हैं द विकर ऑफ वेकफील्ड एंड द डेजर्टेड विलेज, शी स्टूप्स टू कंकर, द ट्रेवलर, गुड नेचर्ड मैन, सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द हर्मिट और एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो ये सारे वर्क्स, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो क्वेश्चन सीधे सीधे इनके किसी वर्क के अंदर से बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ का कौन सा वर्क नहीं है या कौन सा वर्क है। इस टाइप के क्वेश्चन ओलिवर गोल्ड स्मिथ से ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत अंदर से इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये सारे वर्क्स को नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इनके वर्क्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला है द विकर ऑफ वेकफील्ड। ये काफी फेमस नोवेल है इनकी, रिटन बिटवीन 1761 टू 1762 एंड पब्लिश हुई थी 1766 में। इट इज अ कॉमेडी एज वेल एज सटायर एंड इसका सब टाइटल है, सब टाइटल पूछा जाता है, सब टाइटल है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाई हिमसेल्फ। कैरेक्टर्स की बात करें तो चार्ल्स प्रिमोर्स वॉज द नैरेटर एंड द विकर ऑफ द स्टोरी। विकर मतलब होता है पादरी या फिर मोहल्ले का पादरी। एंड डेबोरा प्रिमोर्स, शी वॉज वाइफ ऑफ चार्ल्स प्रिमोर्स। अगला है सी स्टूप्स टू कॉन्कर। इट इज अ कॉमेडी प्ले बाय गोल्ड स्मिथ परफॉर्म्ड इन 1773। सब टाइटल पूछा जाता है, द सब टाइटल इज मिस्टेक ऑफ अ नाइट एंड ये स्टोरी है हार्ट कैसल फैमिली की, मिस्टर एंड मिसेज हार्ट कैसल की। एंड जो प्रोटागोनिस्ट है इसकी वो है केट हार्ट कैसल। ये डॉटर होती हैं हार्ट कैसल, मिस्टर एंड मिसेज हार्ट कैसल की। अगला है द ट्रेवलर। ये एक पोयम है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखी थी। बेसिकली अ फिलोसॉफिकल पोयम बाय गोल्ड स्मिथ पब्लिश्ड इन 1764। इसमें जो ट्रेवलर हैं वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ही हैं। जब उन्होंने ये पोयम लिखी थी इट वॉज व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग टू स्विट्जरलैंड एंड सब टाइटल है इसका द प्रोस्पेक्टस ऑफ सोसाइटी। एंड इस पोएम में उन्होंने डिस्कस किया था जो हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस के कॉसेस हैं नेशंस में, उसको उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है द डेजर्टेड विलेज, अगेन अ पेस्टोरल पोयम पब्लिश्ड इन 1770 एंड दिस पोयम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट एंड दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जोसुआ रेनॉल्ड्स। ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ के फ्रेंड हैं, इनको इन्होंने ये पोएम डेडिकेट की थी, जो लिटरेरी मूवमेंट द क्लब से जुड़े हुए थे। गोल्ड स्मिथ वहां पे ये इनसे कि इनके दोस्त बने थे। एंड इन दिस पोयम डिस्क्राइब द बियरनेस ऑफ विलेज। जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ है उनके आप बचपन भी विलेज में ही बीता था और इस पोयम में वो उन सभी विलेज के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ के कुछ वर्क्स थे। इनसे बहुत ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बनेगा भी तो जो ये वर्क हैं चार पांच, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, या तो ऑप्ट वन आउट करके पूछ लेगा, या फिर इनके लाइफ स्पेन से पूछ सकता है, या इनके पेन नेम से पूछ सकता है, या फिर
जो सब टाइटल है इनके सब टाइटल ज्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो इनसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, एंड नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि जो ऑलिवर गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो लेके आऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।